एक मुस्लिम युवक ने हत्या की नियत से नाबालिग छात्रा पर जानलेवा हमला किया। घायल छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी फरदीन और रऊफ नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी बहन और सहेली के साथ पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा पर एक मुस्लिम युवक ने हमला कर दिया। नाबालिग छात्रा पर गुरुद्वारे के सामने वाली गली में धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। पास में सफाई कर रहे कर्मचारियों और लोगों ने मौके पर पहुंचकर छात्रा की जान बचाई और उसे लहूलुहान हालत में राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। छात्रा के परिजनों और हिंदूवादी संगठनों की चेतावनी और गुस्से के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने सीसी कैमरों के मदद और मुखबिर की सूचना पर आरोपी फरदीन और उसके साथी रऊफ को गिरफ्तार कर लिया है। एक दो व्यक्ति द्वारा एक छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला करने की नियत से उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसके ऊपर हमने इमीडिएटली एफआईआर पंजीकृत की गई। और क्योंकि ऐसी जगह पे पूरे वैसे इलाके में हुआ था जहाँ पे रोज आवाजाही रहती है, उसको संवेदनशीलता से लेते हुए एसएसपी सर द्वारा इमीडिएटली इसमें एफआईआर पंजीकृत करने के आदेश हुए। उसके बाद हमने इसकी जगह जगह पे टीम्स बनाई हैं, इसके घर में मुरादाबाद में इसके हर रिलेटिव के यहाँ दबिश दी गई और कम से कम सिर्फ 8 घंटे में मात्र इनकी गिरफ्तारी की गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।